हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज दिखाने वाला हूँ आपको। आपको पता है माचिस किससे बनती है? नहीं। पेड़ से। और आपने कभी वो पेड़ देखा है? नहीं। तो आज मैं आपको वही दिखाने वाला हूँ। वीडियो पे एंड तक बने रहे, बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट कर दें। सो लेट्स गो। ये देखो फ्रेंड्स, ये बहुत लंबे पेड़ होते हैं और इन पेड़ों की डंडियों से माचिस बनती है। ये देखो कितने लंबे लंबे पेड़ हैं ये, और कितने लंबे एरिया में फैले हुए हैं। और यहाँ पे चारों ओर हरी घासें ही घासें हैं। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही अच्छा है। अब इसके अंदर भी चलेंगे। सो फ्रेंड्स, अभी मैं पीपनी की ओर जा रहा हूँ। और यहाँ पे रास्ता बहुत ही खराब है। और यहाँ पे ये नाली जा रही है, इसको पार करना पड़ेगा वहां पे जाने के लिए। बहुत ही लंबी नाली है। चलो जंप मारते हैं। ये रहे कितने सारे पेड़ लाइन वाइज से लगे हुए। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ हैं और एक एक पेड़ बहुत मोटा मोटा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये देखो कितना मोटा पेड़ है ये, और ये बहुत ऊपर तक जा रहा है। ये बहुत ऊपर तक पेड़ है, इसकी हाइट बहुत ही ज़्यादा होती है पेड़ की। और यहाँ पे चारों ओर छोटी छोटी घासें उगी हुई हैं। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ काटे हुए भी हैं। एक पेड़ ये रहा कटा हुआ। इस पेड़ को भी काटा हुआ है। गाइज, आपने देखा पिलकन के पेड़ कितने मोटे और कितने लंबे होते हैं। इन पेड़ पे चढ़ने का भी कोई साधन नहीं है, ना यहाँ पे कोई डाल है, ना कुछ है। इन पे हम चढ़ भी नहीं सकते बिल्कुल भी। यहाँ पे जड़ें मोटी मोटी होती हैं। और यहाँ पे देखिए, इसके सारे पत्ते अभी नीचे के सूखे हुए हैं, ऊपर के अभी भी उग रखे हैं। और यहाँ पे चारों साइड आपको आसमान भी नहीं दिख रहा होगा, इनके पेड़ों के पत्तों से आसमान भी ढक चुका है। और यहाँ पे इतने सारे पेड़ हैं, सारे पेड़ लाइन वाइज में लगे हुए हैं। आप किस साइड भी देख लो, जैसे इस साइड देख लो, इधर की भी लाइन है, इधर की भी लाइन है, हर जगह लाइन में लगे हुए हैं पेड़। तो इसको उगाने में बहुत ही मेहनत लगती है। देखो फ्रेंड्स, इन पेड़ से माचिस बनती हैं। और ये पेड़ कितने लंबे होते हैं, बहुत ही लंबे हैं ये। यहाँ पे इतनी छोटी सी जमीन में कम से कम 70-80 से भी ऊपर पेड़ लगे हुए हैं, जंगल जैसे एकदम। ये बहुत दूर तक है। ये है खेत, लेकिन लगता है जैसे जंगल हो। इसके अंदर भी पेड़ है, जैसा कि मैंने आपको भी अंदर जाके दिखाया था। आपने जितने भी पेड़ देखे, इन सभी पेड़ से माचिस की तेलियां बनती है। अभी तो गर्मियां हैं, अभी इनमें पत्ते हैं। जब सर्दियाँ होती है, ये पेड़ एकदम सूख जाते हैं, इसमें एक भी पत्ता नहीं होता। उस समय पे लोग इसको काटते हैं और इस पेड़ से माचिस की तिल्लियाँ बनाते हैं। तो आपको, अगर आपने ये पेड़ पहली बार देखा है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और पास में बने बेल आइकन को दबाना। आने वाली वीडियो का इंतज़ार करना। तब तक के लिए बाय।